नमस्कार। आज जिस पौधे को हम परिचित होने जा रहे हैं उसको घृत कुमारी, घी कुमार, ग्वार पाठा, एलोवेरा नाम से जाना जाता है। समस्त भारत में तथा इस समय विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एलोवेरा के नाम से परिचित न हो। हर घर में हम कहते थे तीन पौधे अवश्य होने चाहिए, तुलसी, घीकुंवर और एक सेहुण वर्ग का पौधा। तो घीकुंवर की जो विशेषता है कि इसकी पत्तियां खूब मोटी होती हैं, इनको हम सेकुलेंट कहते हैं, अर्थात इनके अंदर जो काफ़ी मात्रा में लिक्विड होता है। किचन गार्डन में लगाने का मूल उद्देश्य ये भी रहा होगा कि इसकी पत्ती को छील करके और उसका पल्प निकाल करके अगर रसोई में कहीं कट जाए, जल जाए, तो तत्काल उसको लगा करके छील कर और पल्प वाला हिस्सा उसमें और अधिक मात्रा में लगा कर और एक पट्टी, हल्की पट्टी बांध दें तो न छाला पड़ेगा, न ही कोई जलन होगी और घाव ठीक होने के बाद कोई निशान भी अक्सर नहीं बनता है। घृत कुमारी को दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि किस तरह से इसको सौंदर्य प्रसादनों में प्रयोग किया जा सकता था। एलोवेरा का पल्प लेकर लगभग उससे 1/8 भाग हम हल्दी का चूर्ण और उससे 1/16 भाग मंजिष्ठा का चूर्ण उसमें मिला दें और इसको पेस्ट बनाएं। इसको घिस करके सिल पर या खरल में और पेस्ट, पतला पेस्ट बनाने के पश्चात इसको चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे बाद जब सूख जाएगा तो इसको धो लें। यह त्वचा के रंग को निखारने में बहुत उपयोगी है। एंटी रिंकल तो घृत कुमारी है ही, साथ साथ ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर भी है जो त्वचा को, जिनकी रुक्ष त्वचा होती है उसको सामान्य रखने में समर्थ है। इसके साथ साथ झाइयाँ चेहरे पर अक्सर, जिन महिलाओं को बच्चे होने के बाद अक्सर काले रंग की झाइयाँ बन जाती हैं, उनको खिलाना और लगाना दोनों ही लाभकारी है। इसमें पत्ते को छील करके उसका पल्प निकाल लें और 50 ग्राम की मात्रा तक एक बार खिलाएं। साथ ही साथ उसी पल्प को थोड़ी हल्दी के साथ मिला लें और उसका जो पेस्ट बनाकर, लेप बनाकर पूरे चेहरे पर जहाँ जहाँ दाग पड़ गए लगा दें और जब वो सूख जाए तो उसे धो दें। इस लेप आलेप की प्रक्रिया को आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है। इसी में यदि गुलाब जल मिला लें तो और चेहरा निखर के आएगा और त्वचा सुंदर बनी रहेगी। एक प्रयोग आजकल बहुत चल रहा है कि इसको छील करके इसका रस निकाल लें और हल्की आंच पर पकाकर इसमें कोई भी बहुत घरेलू प्रिजर्वेटिव अर्थात साइट्रिक एसिड या सोडियम बेंजोएट उचित मात्रा में डालकर बोतल में भर के रख लें और उसका प्रयोग पीने के लिए नित्य करें, प्रातःकाल खाली पेट या भोजन के बाद, तो उससे भूख ठीक लगेगी, यकृत या लीवर का कार्य ठीक होगा, साथ ही साथ रक्त का शोधन भी होगा, शुद्धिकरण होगा। रक्त के शुद्धिकरण से अभिप्राय ये है कि अक्सर जो लोग अधिक मीठा खाते हैं तो उनकी जो रक्त है उसमें जो मधु या सुक्रोज या शुगर की मात्रा सामान्य से अधिक रहती है, यद्यपि वो मार्जिन पर होती है। आजकल 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसको नॉर्मल माना जाता है और अगर वो मात्रा अधिक हायर साइड में है तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर त्वचा के संक्रमण और खाज, खुजली होने का डर रहता है। ऐसी अवस्था में हम निरंतर घृत कुमारी स्वरस का प्रयोग करें। मधुमेह की अवस्था में करेले का रस और जामुन का रस मिलाकर यदि इन तीनों को हम
दैनिक प्रयोग करें तो यह मधुमेह की चिकित्सा में जो औषधियाँ ले जा रही हैं उनके प्रभाव को बढ़ाता है और इसमें लाभ मिलता है। और साथ साथ एक दूसरा जो बहुत अच्छा प्रयोग है जिसे निरंतर किया जा सकता है, उससे जोड़ों के दर्द में भी लाभ मिलता है। और जो गर्भिणी हैं उनका जो शरीर इससे शुद्ध या शोधित होता है, उसमें जो इसकी पत्ती है उसको छील करके थोड़ा सा उसका पल्प निकाल लें और 10 से 50 ग्राम की मात्रा तक उसको गाय के घी में तल लें और इसको दैनिक प्रयोग करने से काफ़ी समय तक त्वचा के रोग नहीं होंगे, जो हुए हैं उनमें लाभ मिलेगा और संक्रमण से बचाव होता रहेगा। आप देखेंगे कि हम इसको रोगों से बचाव तथा चिकित्सा दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। और हम एक इसका अन्य प्रयोग है जिसमें इसके घीकुंवार के रस को निकाल करके उसको गाढ़ा कर लें, गाढ़ा करके जब सूखने लायक हो जाए तो उसकी गोली बना कर रख लें। यह महिलाओं के लिए एक बहुत उपयोगी प्रयोग है जिनका मासिक रुक जाता है या कष्टार्तव अर्थात मासिक के समय वेदना, शूल या दर्द होता है, उनको गर्म पानी से देने से भोजन के पश्चात एक या एक से दो गोली तक नित्य देने से इसमें लाभ मिलता है। एक अन्य प्रयोग में घृत कुमारी का पल्प निकाल करके और उसको आटे में, गेहूं के आटे में मिला दें। इसकी मात्रा 1 किलो आटे में लगभग 250 ग्राम रखें और उसको गूंद करके जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे उसकी चपाती बना लें। जिन लोगों को लंबे समय से जिगर के रोग हैं, पाचन ठीक नहीं होता, उनको ये रोटी खाने के सब्जी के साथ दी जाए तो बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। एक घरेलू प्रयोग जो अनंत काल से घरों में प्रयोग होता आ रहा है, उसमें घृत कुमारी का रस 1/2 किलो निकाल लें, उससे 1/2 भुनी हुई अजवाइन ले लें। अर्थात यदि हमने घृत कुमारी का रस 1/2 किलो लिया है तो 250 ग्राम की मात्रा में हम भुनी हुई अजवाइन ले लें, उसमें मिला दें। इसके बाद अजवाइन से 1/2 नींबू का रस ले लें और इसको उसमें मिलाकर नींबू के रस से 1/2 सेंधा नमक लेकर इन सबको मिलाकर अच्छी घोटाई करें जिससे सूक्ष्म चूर्ण बन जाए, इसको धूप में रखकर सुखा लें। अगर और उपयोगी बनाना है तो इसमें सेंधा नमक से 1/2 मात्रा में भुना हुआ हींग भी मिलाया जा सकता है। घी में भूनकर हींग मिलाने से यह सोने में सुहागा बन जाएगा, अर्थात सब प्रकार के जो पाचन के विकार हैं उनमें बहुत अच्छा कार्य करेगा। अर्थात भोजन से पहले अगर हम इसको लेंगे 15 मिनट पहले गर्म पानी से तो भूख अच्छी लगेगी, पाचन होगा। इसके साथ साथ यदि हम भोजन के पश्चात लेंगे तो पाचन तो होगा ही, साथ साथ उसका जो यकृत विकारों में लाभ मिलेगा और जो खाया हुआ है वो आसानी से पच जाएगा। इसी को यदि हम गोली बना लें, इसमें थोड़ा सा गोंद मिला करके, तो इसको पूरे वर्ष भर सुरक्षित रखा जा सकता है और इसका दैनिक प्रयोग किया जा सकता है। घृत कुमारी को हम खेती भी कर सकते हैं अपने उपयोग की, जैसा कि पहले बात हुई है कि अपने उपयोग की करें, दूसरे अपने पड़ोसियों और संबंधियों के उपयोग में लाएं और साथ साथ इसको बड़े स्तर पर लगाकर और बहुत फार्मेसियों को आप भेज सकते हैं जिनको इसकी निरंतर आवश्यकता रहती है। यह राजस्थान का प्रमुख पौधा है और अधिक मात्रा में राजस्थान से इसको लोग प्राप्त करते हैं।